तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। जनरल ये टॉपिक इसका है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का। इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 8085 की। सबसे पहले इसमें हम शॉर्ट में बात करेंगे कि 8085 में चीजें क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। सो सबसे पहले 8085 की कुछ चीजें जो हमारे काम की, जैसे ये एक 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। सेकंड, इसमें 40 पिन्स होती है, ओके। वीसीसी, जो वीसीसी है दैट इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट, वो कितने वोल्ट का होता है, प्लस 5 वोल्ट का होता है। डाटा लाइन की बात करेंगे एंड एड्रेस लाइन की बात करेंगे। शॉर्ट में हमें सारा कुछ याद रखना होता है। सारे पैराग्राफ याद करने से अच्छा सिर्फ इतना याद रखो, बहुत अच्छा हो जाएगा। डाटा लाइन इसमें 8 बिट की एंड एड्रेस इसमें 16 बिट का, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो अब कुछ एक्यूमुलेटर भी नाम हमने सुना होगा। जब माइक्रो प्रोसेसर की बात आती है इसमें सबसे पहले एक्यूमुलेटर की भी बात आती है। एक्यूमुलेटर, रजिस्टर्स, इन सब की बात हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं, फिर हम 8085 को लेके एकदम फुल स्पीड में आगे चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर बस सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये एक 8 बिट रजिस्टर है। ये क्या है? एक 8 बिट का रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर दैट स्टोर्स द वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू, जनरली जितनी भी इनिशियल वैल्यू है वो सारी एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होती है। एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, लास्ट सेम में भी हमने एक्यूमुलेटर के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब रजिस्टर्स की बात करते हैं, रजिस्टर पेयर्स। बेसिकली जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास 6 होंगे, बी सी डी ई एच एल। क्या होंगे? बी सी डी ई एच एंड एल, ये मेरे पास रजिस्टर है। दिस इज, ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर जो हमें 8085 में काम आएंगे, जो हमें 8085 में काम आएंगे। याद रखना ये सारे रजिस्टर जो है ये 8 बिट के होते हैं, ये सारे रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। कई बार हमें इसी में बोल देते हैं रजिस्टर पेयर, एक आगे एक वर्ड आएगा रजिस्टर पेयर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि क्या चीज क्या है, आगे एक वर्ड आता होता है रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर क्या है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। रजिस्टर पेयर है बी सी एक रजिस्टर पेयर है, डी ई एक रजिस्टर पेयर है एंड एच एल एक रजिस्टर पेयर है। बी सी एक रजिस्टर पेयर है, डी ई एक रजिस्टर पेयर है, एच एल एक रजिस्टर पेयर है, बी डी कोई रजिस्टर पेयर नहीं होता, बी एच कोई रजिस्टर पेयर नहीं होता। जो बनाए हैं सिर्फ वो ही रजिस्टर पेयर है, इसके अलावा हमारे पास एक भी रजिस्टर पेयर नहीं होगा, इसके अलावा हमारे पास एक भी रजिस्टर पेयर नहीं होगा, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि भाई ये सारे रजिस्टर मेरे 8 बिट के हैं, तो रजिस्टर पेयर कितने बिट का होगा? रजिस्टर पेयर ये कितने बिट का होगा? ये 16 बिट का होगा ऑब्वियसली, 8 इसका और 8 इसका, दैट इज इक्वल टू 16 बिट। आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी कि रजिस्टर पेयर 16 बिट का कैसे होगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की, माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन जिससे हम सबको बड़ा प्यार है ना, सो उनकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, अगर चलो पहले इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं फिर हम बात करते हैं। जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास, वैसे तो याद भी हो जाएगी ये इंस्ट्रक्शन जब मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर तो ये जिंदगी भर नहीं होगी, ठीक है। ए कॉमा 10H, इसका क्या मतलब है, इन सभी का मतलब भी बताऊंगा मैं, ठीक है। इन सब के मतलब भी बताएंगे हम साथ साथ में, ठीक है। ए डी आई 20H, ओके ये लिख लेते हैं। एंड देन स्टोर वैल्यू किस में कर देते हैं, हम एक्यूमुलेटर में कर लेते हैं, एस टी ए 2000H। देखो ये हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, हम छोटे इंस्ट्रक्शन से लेके चलते हैं एंड एकदम हाई लेवल तक बात करेंगे जिधर तक हमें करनी है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई है,
एम वी आई, याद रखना जहां भी मेरा आई आएगा दैट स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, इमीडिएटली, ठीक है, वो काम इमीडिएटली हमें करना है। क्या कह रहा है वो, एम वी मूव इमीडिएटली, क्या है ये, मूव इमीडिएटली, ए में क्या है इमीडिएटली स्टोर करवाना है 10H, ये मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। कह रहा है एड इमीडिएटली, एड इज एड, एड इमीडिएटली, ओके 2000H, याद रखना कोई भी पहली वैल्यू जो होगी, कोई भी पहली वैल्यू अगर ऐड करनी होगी वो सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ ही ऐड होती है, दैट इज 20H, ओके दैट इज 20H, ठीक है। इनका आंसर क्या आ गया, 30H आ गया। अब ये किधर स्टोर होगा, स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर एट 2000H, इस वैल्यू, इस जगह में जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाए, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आई होप सबको कि ये बात समझ आई होगी कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे एंड कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या थे एंड कैसे काम करते हैं। इधर मैं एक चीज बताना भूल गया थोड़ा, डस्टर किधर गया, अच्छा एक चीज इधर बताना भूल गया मैं थोड़ा सा, ऐसे ही बताया था, चलो एड्रेस लाइन 16 बिट के, मतलब ये हमारी 0000H से लेके FFFFH तक चलेगी। अगर तुमने जनरली HH से कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ इतना याद रखो 000 से लेके FFF तक चलेगी, ठीक है, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सो इसकी अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग की बात करेंगे, जनरली हम फ्लैग भी यूज करते हैं, सो उस हर तरह के फ्लैग की हम बात करेंगे, ठीक है। So that's all for this presentation. Thank you.